हेलो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसकी मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ कि इसको ट्रिक के जरिए कैसे समझना है तीन लोगों ने गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों ने मिलकर कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट किया टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड ताकि टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी दिस इज द ट्रिक तीन जनों ने तीन जनों ने प्रोहिबिट किया कंपनी के सर्वेंट्स को ताकि वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज ना हो सके किसके लिए टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी दिस इज द ट्रिक अब हम इसको विस्तार से समझेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट वॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स नंबर वन पॉइंट दूसरा गवर्नर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ये सबॉर्डिनेट हो गए क्योंकि जब वो गवर्नर जनरल हो गया तो नेचुरली ये सबॉर्डिनेट हो जाएंगे किसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सिंपल थर्ड सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एस्टैब्लिश हुआ कहा हुआ कलकत्ता में और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ विद चीफ जस्टिस एंड थ्री अदर जजिस नंबर थर्ड पॉइंट चौथा क्या है टू प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड एंड टू एक्सेप्ट ब्राइब एंड अदर प्रेजेंट फ्रॉम द नेटिव बेसिकली चक्कर यही था कि इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा मजबूर होना पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट लाने पर इज नाट क्लियर पांचवा पॉइंट क्या है ये एक्ट जो है ये सेंट्रलाइजेशन इस एक्ट से स्टार्ट हुई तो बेसिकली बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका होल्ड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़िया तरीके से हो जाए यह एक्ट उसी के लिए लाया गया और इसने प्रोहिबिट किया कंपनी सर्वेंट्स को ताकि जो एक ब्राइबरी एक रिश्वतखोरी चल चल रही है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स द्वारा उसको खत्म की जाए और होल्ड कैसे स्ट्रांग हुआ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको हिदायत दी गई कि बेटा अब रेवेन्यू पे मिलिट्री अफेयर्स पे सिविल अफेयर्स पे आपको सारी की सारी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी है दिस इज अ ट्रिक सिंपल ट्रिक थैंक यू वेरी मच